माइक्रो इरिगेशन कृषि में जल संरक्षण का एक तरीका है जिससे कृषि उत्पादकता और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। भारत सरकार के अनुसार सरफेस इरिगेशन की तुलना में पानी का उपयोग 45-60% तक कम होता है और अनुमानित उत्पादकता 20-40% तक बढ़ जाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का वितरण शुरू किया गया है। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को 55% तथा अन्य किसानों को माइक्रो इरिगेशन के लिए 45% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कुछ राज्यों में सब्सिडी राशि को बढ़ाकर 95% तक किया गया है और उस स्थिति में आपको केवल GST राशि का भुगतान करना होगा, जो कि कुल व्यय का 5% है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, भूमि पत्र या प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, 2 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो। अब आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें। निकटतम ब्लॉक कृषि कार्यालय में जाएं और PMKSY आवेदन पत्र के लिए अनुरोध करें। आवश्यक विवरण और माइक्रो इरिगेशन आपूर्तिकर्ता की जानकारी के साथ इस फॉर्म को पूरा भरें। इस आवेदन को जमा करने के बाद ब्लॉक स्तर पर और फिर जिला कृषि अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कुछ दिन बाद ब्लॉक के प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण और तय किया जाता है कि किसानों की जमीन पर सिंचाई का कौन सा तरीका ड्रिप या स्प्रिंकलर लगाया जा सकता है। सब्सिडी की राशि सीधे पंजीकृत माइक्रो इरिगेशन कंपनियों को दी जाती है जो सिस्टम उपलब्ध कराएगी, सिस्टम स्थापित करेगी और सिस्टम प्रबंध पर किसानों को परीक्षित करेगी। पूरी प्रक्रिया कुछ हफ्तों से लेकर 2 महीनों में पूरी हो जाती है, इसलिए बिना समय गवाए अपने नज़दीकी जिला कृषि अधिकारी के पास जाएं और इस अग्रणी तकनीक का लाभ उठाएं।